एक तरफ प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान प्रतिदिन पौधारोपण कर पर्यावरण को बचाने का संदेश देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर ग्लोबल पार्क सिटी आसाराम नगर फेज 3 में करीब 100 पेड़ों की बलि दे दी गई। इस हिसाब से सीएम शिवराज ने जितने पौधे 3 महीने में लगाए होंगे उतने पेड़ एक दिन में जड़ सहित उखाड़ कर फेंक दिए गए, जिसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता उमाकांत तिवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रतिदिन पौधारोपण करते हैं। इस पौधारोपण में समाज के विभिन्न वर्ग के लोग भी शामिल होते हैं, लेकिन एक तरफ जहां सीएम शिवराज पौधारोपण कर एक अच्छा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भोपाल के ग्लोबल पार्क सिटी आसाराम नगर फेज 3 में उनके इस संदेश की अनदेखी करते हुए करीब 100 पेड़ों को उखाड़ दिया गया। उमाकांत तिवारी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने बताया कि ये पेड़ 15 से 20 फीट लंबे थे, जिन्हें जेसीबी की मदद से जड़ से उखाड़कर ट्रैक्टर में भर कर ले जाया गया। पेड़ उखाड़ने की पुष्टि नगर निगम एवं वन विभाग के पंचनामे से भी स्पष्ट हुआ है। सीएम शिवराज ने प्रकृति की अभिव्यक्ति कार्यक्रम में कहा था कि पेड़ों की रक्षा करो, नहीं सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी पेड़ों की बलि दी जा रही है। पेड़ों को बर्बाद करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कार्रवाई को लेकर उमाकांत तिवारी ने मानवाधिकार आयोग और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी द्वारा रोज एक पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है और रोजाना एक पौधा वो लगाते भी हैं, और पार्टी के और अन्य नेतागणों को भी उनका संदेश है, प्रदेश की जनता को उनका संदेश है। लेकिन राजधानी भोपाल में हम देख रहे हैं लगातार पेड़ कटते जा रहे हैं और पेड़ काटने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो आज मुख्यमंत्री जी पौधा लगा रहे हैं, एक पौधा को बढ़ने में कम से कम 10 से 15 फीट होने में कम से कम 8 से 10 साल लगेंगे या उससे कम लग सकते हैं, लेकिन वहीं 10-10, 15-15, 20-20 फीट के पौधों को, पेड़ों को काट दिया जा रहा है। कल ग्लोबल पार्क सिटी के बगल में जो 100 पेड़ काट दिए गए उसकी शिकायत नगर निगम को की गई, लेकिन उधर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, जो भी पेड़ काट रहे हैं, अब 100 पेड़ का पंचनामा जो बनाया है वन विभाग और नगर निगम द्वारा ही बनाया गया है, जबकि पेड़ों की संख्या अधिक है। अगर इसी प्रकार से पेड़ कटते रहेंगे तो निश्चित रूप से भोपाल और प्रदेश हरियाली विहीन हो जाएगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।